भूतिया हवेली कहानी। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह भूतों का घर है। किसी के पास उस हवेली के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो भी वहां जाता था वह वापस नहीं आता था। एक दिन एक बहादुर युवक ने उस हवेली की खोज करने का निर्णय किया। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और हवेली की तलाश में निकल पड़ा। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने हवेली को खोजते हुए अनेक भूतियाँ चीजें देखीं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि शायद यह सब सिर्फ एक डरावना परिचय हो सकता है। तभी एक वृद्ध आदमी उनके पास आया और उन्हें हवेली का रहस्य समझाया। यह उनकी मानसिक भ्रमिति थी और यहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि यह हवेली एक पुरानी और छोटी हुई इमारत थी जिसमें विलक्षण ध्वनियों की गर्जना सुनाई देती थी, जो उसकी बुजुर्गी के कारण थी। इस कहानी से युवक ने सीखा कि कभी कभी हमारे डर और भ्रम हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई का सामना करने के लिए धैर्य रखें तो हमें अकेलापन और डर का सामना करने की ज़रूरत नहीं होती।